दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान शनि की पूजा की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। जीवन में सुख और शांति के लिए चैत्र अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इसके साथ साथ पितरों की अशांति के लिए उपवास भी रखा जाता है। यदि अमावस्या के दिन अगर आप पूजा करते हैं और इस दिन सुबह उठकर ही बिना बोले ही आप लोग अगर अच्छे से व्रत रखते हैं तो आपको बहुत ही फलदायी होगी। दोस्तों यदि अमावस्या सोम, मंगल, शनि या गुरुवार के दिन हो तो यह बहुत ही अधिक फल देने वाली होती है। अमावस्या आपको इन दिनों में अगर मिल जाए तो आप लोग व्रत जरूर रखना। इस बार चैत्र मास की अमावस्या 21 मार्च को है, तो आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या की शुभ मुहूर्त के बारे में। आखिर किस दिन शुभ मुहूर्त है और कौन सा समय है। अमावस्या तिथि का आरंभ 21 मार्च 2023 को रात 1:47 से शुरू होगा और अमावस्या तिथि का समापन 21 मार्च 2023 को रात 10:52 तक रहेगा। उसके बाद उदय हो जाएगा। उदया तिथि नियमानुसार चैत्र अमावस्या 21 मार्च को है और अमावस्या व्रत भी 21 मार्च को रखा जाएगा और इसी दिन सभी लोग व्रत रखेंगे। 21 मार्च को सुबह सूर्य उदय का समय जो है सुबह 6:24 से शुरू होगा और सूर्य अस्त का समय है शाम 6:33 तक। 21 मार्च को जो अभिजीत मुहूर्त लगेगा वो दोपहर 12:04 से लेकर 12:53 तक रहेगा और राहु काल का जो समय है वो दोपहर 3:31 से शाम के 5:02 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ काम न करें। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में कोई भी काम को करने से बचना चाहिए। मान्यता यह है कि अमावस्या के दिन पितरों को अर्पण करने से या फिर पिंडदान करने से बहुत सारी दुख तकलीफ आपके घर पर जो कष्ट हैं उनसे निवारण मिल सकता है। पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति बनी रहती है और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चैत्र अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान, सात क्रम और अर्पण क्रम का सही समय 11:30 से दोपहर 2:30 तक रहेगा। इस समय अमावस्या के दिन पितरों को अर्पण करने से आपके सात क्रम और आपके घर पर पिंडदान करने से आपके घर पर दुख तकलीफों का निवारण हो सकता है और सुख संपत्ति आपके घर पर आ सकता है। और आज के दिन आप लोगों को बहुत ही मौन रहकर पूजा पाठ करना है। इससे आपके घर पर बहुत ही फायदा होगा। और आज के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, देसी घी लेकर आप लोग पीपल के नीचे दिया जलाएं और गरीबों को दान करें और इसी दिन मौन रखकर गंगा स्नान करें, यानी कि किसी पवित्र स्थान पर जाएं और स्नान करें। ऐसा करने से आपके घर पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। दोस्तों इस दिन मौनी अमावस्या के दिन आप लोग व्रत रखकर अपने इस पूजन पाठ को अच्छे से करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल में व्यतीत होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।